उनके शराब की शायरी के मतलब हिमालय थे और पाकिस्तान को बहुत कम काम ये दरखास्त है कि जैसे हम आपने बहुत मरम्मत और तीन पहुँचा कर जाएंगे लगा रहे डॉक्टर सभी आपकी किताबों का मुताला किया ज्यादा से ज्यादा उसमें 230-250
230 और 250 के दरमियान बसें थी, इसमें हमने 600 के ऊपर बसें शामिल कर ली। अभी तक 35 से 35 नजमें आई थी मुख्तलिफ अदियत में, मुख्तलिफ मजमुओं में, हमने इसमें 82 नजमें शामिल किया। दोहे तो मिलते ही नहीं थे, इसमें 50 दोहे भी शामिल किए। इसके अलावा मतन की सेहत का ख्याल रखा गया, क्योंकि मेरे पास वो ओरिजिनल किताबें थी जिसमें पहली मरतबा ये किताब शाया हुई थी, क्योंकि लोगों ने इंतखाब किया। मैं इंतखाब साहिब तसनीफ को पाई, क्योंकि हर एक का शौक मजाक अलग है। मैं कौन होता हूं जो आपके कलाम का इंतखाब करूं? जब तक कि आप उस पर इत्तेबा कर कर आके कहें कि आप ये काम कीजिए, इसमें गजलें मौजूद हैं जो 20 से 25 अशआर की भी हैं, बहुत से आम शेर हैं जो तो ज्यादा है बराबर, लेकिन हमने मतन सेहत के साथ और जिन चीजों का भी मैंने जिक्र किया जो हमारे रोज नहीं जो उसका भी इसमें इसमें एक मुकदमा शामिल है जिसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो उनका जिंदगी नामा, क्योंकि इस शायर का जिंदगी नामा जरूरी है, उसको समझे बगैर इसकी शायरी और इसके बाद मसायल को समझने में दुश्वारी हुई थी। और इसमें मुखास राइटिंग करने में जो असातिज़ा ने जो गुफ्तगू की उसको भी हमने इसमें पेश किया है, और इनके फन पर मखसूसन गजल पर गुफ्तगू की है। असल में जैसे मैं सुबह कह रहा था कि मुझे मुख्तलिफ लेक्चर देना है, तो आज हम इस जलसे में इनकी गजल पर बात करते हैं, इस वजह से कि ये तन्हा शायर है जिसकी शायरी के अल्फाज आप जानते हैं कि गोरखपुरी 1896 में पैदा हुए गोरखपुर में और 1982 में दिल्ली में इंतकाल किया, तो 85 बरसों बाद खानदान भी शायरी से सरजमीन भी वहां की गोरखपुर की जहां पर वसीम खड़ा वाली रियाज खड़ा वाली एक अजीब चीज तरह लिखते हैं कि मैं प्रोफेसर नासरी का बहुत ममनून हूं। प्रोफेसर नासरी कौन थे? प्रोफेसर नासरी रशीद गजनवी जो मीर अनीस के नवासे थे, उनके शागिर्द रशीद थे, जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे। कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा, मियां मीर को पढ़ो और मीर से शायरी को। देखिए उस जमाने के असातिज़ा क्या, यानी दो कुछ मिनट में आपको समझ जाते थे, और उसके बाद जो आप को हिदायत करते थे वो अगर आप अपनी ग्राम में बांध देते तो और ये आसान पे पहुंच जाते। तो नासरी साहब ने तो चंद शागिर्द उनका वो नासरी ने इनको मीर की तरफ रागे किया और ये आखिरी दम तक मीर तक उम्मीद कर रहे। तो इनके पास रिवायती गजल भी है, इनके पास तरक्की पसंद गजल भी है, इनके पास जदीदियत भी है और मापाद जदीदियत। क्योंकि अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे 25 साल तक, कुछ अंग्रेजी में स्टांजा भी कहे ट्रांसलेशन करते थे, 700-800 रुपए अंग्रेजी के मौलवी होने से यूनिवर्सिटी से मिलते थे, लेकिन ज्यादातर इनकी आमदनी मुशायरों से, मजामीन के लिखने से और अपनी किताबों के शाया करने की रॉयल्टी से होती। जो
बीबी का इनके खिलाफ है। कहते शाह हुसैन ने लिखा कि लोग इनके सामने भूखे हो जाते जब किसी चीज पर हो तो वो करते तो उसको इस तजुर्बा किए शायरी में ये जो दिल्ली से परचा निकलता था शमा, हाँ ये भी मुझे हासिल नहीं हुआ। इन्होंने उसमें कई मुद्दों तक 1950 और 60 के दरमियान गड़बड़ फसलों के नाम से फसलें मिली। एक गजल के दृश्य मुझे मिले और लोग उसके बड़े शायर हो गए, उसमें गड़बड़ करते थे, उसमें अल्फाजों को इस तरीके से पेश करते थे और उसका नाम है गड़बड़ फसलें। अच्छा गड़बड़ फसलें किसी को मिले तो मुझे दीजिए ताकि इसको सेकेंड एडिशन में हम शामिल कर सकें, मुझे नहीं मिली। लेकिन एक शख्स ने मुझे दो शेर सुनाए जो प्रोफेसर थे हैदराबाद के, तो गड़बड़ फसलें शमा की शक्ति थी 1950 से 1957। अगर कोई शख्स, देखिए मैं उस मियां से बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर माशाल्लाह से लोग आला मियां के बैठे हुए हैं, अदीब हैं, साहिब तस्नीफ हैं। अगर कोई उर्दू अदब में मुहामी थ्योरी को देखना चाहे, हमारे जो शरीयत है उर्दू अदब की जिसमें मानी आफरीनी हमारी अपनी जमीन से, हमारी अपनी कल्चर से और हमारी अपनी तहजीब से, यानी मैं पूरा मेरा कसीदे गुर्दे शरीफ पर काम है, तहावुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो पूरा कसीदा में अगर मैं पढ़ सकता तर्जुमे से, लेकिन एक शेर कहूं कि ये सब तुम्हारा कलम है आप के बाद बनी क्या है पता ही नहीं है कि ये आपकी माँ के समान कर सकते। जिस जबान में इंसान अपनी माँ से जो जबान का रस इंसान माँ के शीर से हासिल करता है वो खबर तक भी कम नहीं होता। तो जबान का अपना एक चश्मा और एक अपना तो मसला है कि किस तरीके से अज़ियत बदर सलील को अपनी शायरी में पेश किया, जमालियत उसने सिर्फ नाजुक को उसको लोगों ने उरियानियत समझा, क्योंकि तहसीब उर्दू इस चीज की इजाजत नहीं देती थी कि औरत की रान के बारे में, औरत के कमर के बारे में, औरत के आगे जो है दूसरे असूल के बारे में बातचीत की जाए, वो तो ऐसे किसकी इजाजत नहीं देती। तो ये तजुर्बा जो इसने किया जिसका इनको काफी उस जमाने में जवाब देने पड़े क्योंकि सत्य लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन वो उनका मसल मसला क्योंकि असातिरी मसायल पर अंग्रेजी के प्रोफेसर होने की वजह से इनको मौका मिला कि अंग्रेजी के उम्दा शायरों को पढ़ें और उनसे इस्तेमाल करें और उसको उर्दू में वो तर्जुमे, तो बहुत से और इनका असर बाकी रहा। आप फैज में भी देखेंगे, फैज अहमद फैज के बाद भी जो चीजें हासिल हैं, मैं ये चीज भी बताऊं के लोगों ने इनकी शायरी पर जो गुफ्तगू की है उसमें जोश और फिलहाल एक हम असर है, दोनों उर्दू के अहम सुतून हैं, दोनों उर्दू के अजीम शायर हैं, एक मशरकी शेरिया का यानी जोश दिलदाता है और एक मिक्स है, मगरब की तरफ रुझान ज्यादा है लेकिन असातिरी अपनी तहजीब से जुड़ा हुआ, दोनों दिल के खराबाती हैं
मुसलसल का शहर है जिसका नाम फिरात है। ये भी एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये तरसीमती हमने कर दी उर्दू दिमाग पर नाखेद इतना सवार है कि जो दर्श कह देता है हम आया से सफल समझ कर उसको आगे बढ़ा। बताएंगे जिस शायरी में तसल्ली होगा वो शायरी अंतरतरीन शायरी होगी, वो गजल हो या नज़्म हो या मसनवी हो या कथा हो या कसीदा हो, जिस शायरी में तसल्ली और तसल्ली ही जान है तगज़्ज़ुल, तो ये कहना कि सिर्फ यानी गजल उर्दू की आबरू है सोचने की जरूरत है, ऐसा नहीं। अच्छा कसीदा भी होती है, अच्छी नज़्म भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अशआर से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए दूसरा तजुर्बा जो फिराक ने किया है हिंदी के रसीले शब्द, फिराक ने उर्दू के शायरों को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक रजिस्टर बनाइए उर्दू शायरी जो 1939 में उन्होंने शायर की, उसमें से 2000-2500 शेर अल्फाज जो हिंदी के रसीले हैं उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी शायरी की जड़ें इस भूमि में इस जमीन में गहरी हो सके। क्या खूबसूरत तरीके से कहते हैं मेरे सामने रुबाई के मिसरे आ रहे हैं कि कैसे बता रहे हैं, बड़ा शायर दखील और छोटे छोटे मसाइल पर भी पूरी तरीके से अपनी नजर रखता, प्रेमी के साथ खाने का वो आदम रुबाई को रखे, यानी ये सिंफ नाजुक जो आमतौर से हमारे कल्चर में हमारे उसमें आजकल बदल गया है, बेगमान शौहर के साथ खाना नहीं खाए मखसूस देहातों में नहीं होता, मगर अगर खा रही है खाना अपने हस्बैंड के साथ अपने शौहर के साथ अपने आशिक के साथ प्रेमी के साथ खाने का वो आदम खुलके पे वो हाथ जिसमें नाजुक में वो खम लुकमे के उठाने में कलाई की लचक दिलकश इतना है मुंह का चलना कम कम कमाल। अगर आप समझे तो समझे, इससे बेहतर नहीं कह सकता कोई शख्स, यानी लुकमे के उठाने में कलाई की लचक दिलकश इतना है मुंह का चलना कम कम, ऐसा जैसा कि मर्दों की आदत है कि रुपए को ऐसा तोड़ते हैं जैसा अखरोट तोड़ रहे हैं, मगर वो प्रेमी जो है उस तरह से खा रही है द्वार में हो रहा है कि वो खा ही नहीं खा रही है खा रही है तो खा रहा गया ये विषय नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी खातून को माशाल्लाह से आपके मुंह में 16 ऊपर 7 सूफी दांत हैं और नीचे भी सूफी और 7 पत्थर की तरह के दांत हैं, तो ये तो शायद नहीं, ये तो आपके डेंटिस्ट हो गया। शायद वो ये कहेगा कि आपके मुंह में क्या ये मोतियों की दर्द है या ये दूर है, तो आपकी शायरी शायरी एक तरीके से कही जाती है प्रेमी को बुखार तो नहीं सकती है पर जो है बैठी है सिलाने मानिंग मुखड़े की दमक
जलती हुई पेशानी पे रख देती है हाथ, पड़ जाती है बीमार के दिल में ठंडक। तो ये जिस तरीके से बयान किया गया शायरी का रसिया शादा भाई ये नहीं कि पूरे शायरी को नाचे तंत्र से खाक पार पार बल्कि उसको जस किया जाए। देखिए तंकी करते हुए ये देखना चाहिए कि उसके पॉजिटिव भी आए उसके नेगेटिव भी आए, लेकिन अब ये भाई का ये दो दो मिस्र देखिए लहरों में खिला कमल नहाए जैसे बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे अंगड़ाई सी शफक को आए जैसे मुझे को नसीम गुदगुदाए जैसे हमारी तहसीब के दायरे हमारी शायरी की मुसर। तो इस शायर के इस तर्ज बयान ने तवज्जो किया और इस तरह से, लेकिन ये तो मैं जैसा अर्ज कर रहा था कि एक छोटा सा शायद जब वाकई को एक मंजर कशी ने निर्मल जल से नहा के रस की बुदली, निर्मल जल यानी पानी ये हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए, यानी साफ सुथरे पानी से नहा के रस की बुदली, ये जो रस है ये श्रृंगार रस है, ये जो हमारे पास सिंगारों की गुफ्तगु है ये हमने सुर संस्कृत से ली, संस्कृत से फारसी में आई और फारसी से फिर अरबी में आई है और फिर अरबी से, यानी हमारे शहनशाहों का हमारे बादशाहों का हमारे राजाओं का ऐसे ही था कि ये किताबों को तर्जुमे करवाएं ताकि समझने की कोशिश की जाए। तो उसको रस नर्मल जल से नहा के रस की गुजरी, बालों से अर्गजे की खुशबू लगती, सदरंग दहंश की तरह बाहों को उठाए फैलाती है अलगनी पर गीली साड़ी। इस तरीके से होकर नहा कर अपने, क्योंकि उनके पास तो हमारे तरह से 25-30 साड़ियां नहीं होती थी, एक या दो साड़ियां होती थी, तो सच्ची बात तो किस तरीके से तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से सिद्ध नाजुक की आवाज इस तरह उर्दू अदब में अशआर ना होने के बाद मैं उर्दू अदब का खारी हूं, बताइए कितने शेर आपने लिखे जिसमें खातून की आवाज और सराहा आया, बहुत कम मिले लिखे गए, ऐसा नहीं है। ये नुखरी आवाज ये मुतरन्निम ख्वाब तारों पे पड़ रही हो जैसे मुजरा, लहजे में ये खनक ये रस ये झनकार, चांदी की घंटियों का बजना करे कमाल के शेर, यानी अगर शेर वो है जो आपके दिल में गुलशन खिला, वो शेर वो है जो आपको बताइए भाई ये करने का अंदाज क्या है, कहने की गुफ्तगु क्या है, चेहरा देखें तो आप जानते हैं ये देखिए ये हाँ जुल्फ जो है इस पर अरबी शायरी में फारसी शायरी में उसके रंग पर उसके काफलों पर उसकी खुशबू पर बहुत कुछ आपको गुफ्तगु की गई है, लेकिन सुनबुल के तरो ताजा चमन में जुल्फ में सुपुर। अब यहाँ पर बालों को तशबीह दी गई है उसके रंग से उसके सांस से उसकी पीठ से, सुपुर के तरो ताजा चमन है जुल्फें, बेसुबह की शबाए खत्म है जुल्फें, खुद खिज्र यहाँ राह भटक जाते
इसको इसको रिजवान भाई ना फारसी वाले समझ सकते हैं और मैं समझता हूँ अरबी में नहीं समझ सकेंगे कि हमारे पास जो जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, रातें बेखा की हर खराती है कि जुल्म दर्दी में फिर जो तक खाती है कि जुल्म परछाइयां कहां कहां जाए जैसे मतवाली घटाएं गुनगुनाती हैं कि जुल्म। तो ये जो इनकी रुबाइयात थी और जो रुबाइयात थी उसका पूरी तरीके से हमने एक किताब और एक मैं जिक्र कर रहा था आज कि किस तरीके से इनकी रुबाइयात हमने दिल्ली में शाया की मुताले रुबाइयात देखरा गोरखपुरी ममता का जो प्यार है औरत के मुख्तलिफ रूप को उन्होंने पेश किया वो किसी को भी सुना मैं बात में समझ कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया मैं जरूर देखिए अशरफुल मखलूकात कुरान मजीद के तीन वादे दूसरी किसी आसमानी किताब में मैंने हमने नहीं देखे एक ये कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और औरत उसका पार्ट है दूसरी चीज दूसरी चीज इंसान इतना भी खुदगर्ज और पोहेज हो तन्हा तन्हा खलीफतुल्लाह फिल अर्ज है इसलिए जब फैज ने किताब में बताया कि हमारे फैज नहीं कहता फैज को इस वजह से मिला रहा हूं कि यहां पर ये दो धारे निकले हैं फैज ये नहीं कहता रहम करो आप किसान पर देखान पर नहीं फैज पहले स्टेटस बनाता है क्या कह रहा है बादशाह है जहां वाली मां से बाप नायकुल्ला फिल अर्ज देखान के नाम पहले देखना का स्टेटस होता था अब उसके बाद से कहता है जिसके घोरों को जालिम अकाले गए जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए हाथ भर क्या है आपके जो है फिर से एक अंगुश पटवार ने काट ली दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली जल्द वालों के पाँव तले गंजिया मगर कमाल ही है इसका कि पहले स्टेटस बता कोई काम यहाँ पर आपके क्या कहते हैं फिर आपने किया कि सिर्फ नाजुक का स्टेटस बताया कि किस तरीके से इनका इसीलिए यगाना चंगेज जी ने कहा कि हसल को फिलहाल के जिम्मे किए जा रहा इसीलिए नियाज फतेहपुरी ने कहा था कि अगर मुझसे कहा जाए कि मुस्तकबिल में गजल का मुस्तकबिल किसका उम्दा है और मुझसे कहा जाए तो मैं बिना तामुल उसमें सिर्फ किसी एक का इंतखाब करूं तो मेरी जबान से फौरन बड़ा गोरखपुरी का नाम निकलेगा इसीलिए आप जानते हैं जिगर मुरादे वाली ने कहा जब लोग हमको भूल जाएंगे उस वक्त भी फराह की याद ताजा रहेगी जरा के मरने के 40 साल बाद आज जनाब सर हम बैठे हुए आपके जो है कराची में फराह पर बात कर रहे हैं क्योंकि वो जान की शायरी की जो ये मसला ये है कि पास चीजों को एक फनकार के ज्यादा ये थे मेंटली नॉट ए सुटेबल पर्सन जिसको कह सकते हैं जहनी मरीज थे उसके प्रति मैं आपसे बात पूछता हूं क्योंकि ताकि आप ये जहन में रख लें जहनी मरीज थे यानी खुद कहते हैं इन्होंने जितना अपनी बेगम को जलील किया अपने खलक से वो खाबले कबूल नहीं अगर से वो सिंध नाजुक के बहुत तरफदार हैं बहुत इश्क लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने जो काम किया वो असल मानी ये है कि असल में वाले ने कहा था ना आपके ये तंगना है मेरे ख्याल के लिए जो है असल काफी नहीं है और किसी ने कहा था सलीका हो तो
गुंजाइश होते असल और तन रामानी का शिकवा सलीखा हो तो सलीखा वो आम लोगों के लिए गालिब के लिए नहीं था, गालिब का सलीखा था लेकिन गालिब के पास जो मैशर इतिहास था उसको ला ही नहीं सकते। तो फिलहाल ने जो शेर कहे हैं उर्दू अदब का ऐसा शेर आपको नहीं मिलेगा, पूरा डूबी गया। जरा विशाल के बाद आईना तो देख रहे, जरा विशाल के बाद आईना तो देख रहे दोस्त, तेरे जमाल की दोषी जिंदगी निकल आई। तो औरत के जो मुख्तलिफ रूप है वो बेटी है, वो प्रेमी है, वो बीवी है, वो बहन है, वो मां है, वो समाज की एक कारकुन है। किसी के लिए ये नहीं कहा गया कि मर्द के पैर के नीचे जाने, मां के पैर के नीचे, ये नहीं कहा गया कि औरत के पैर के नीचे। तो ममता की जो अजमत है इसने जो बताया है प्रयास ने, देखिए अल्लाह से बयान अलग है, जो जहर हला हल है अमृत भी वही, लेकिन मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने। अभी बिल्कुल कमाल करते और सही है। शेर शायर जो कहता है जहर भी नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं तो जिंदगी क्या है इसको आ जाए दोस्त, जिंदगी क्या है इसको आ जाए दोस्त, सोचने और उदास हो जाए। जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये पूरी जिंदगी कर रहा हूँ ये भी तो मुझे जाना है, उसके बाद कौन सोचने और उदास हो जाए, सोचने और उदास हो जाए। देख रहे हैं कहते हैं कि एक रफ्तार इंकलाब जरा कितनी आहिस्ता और कितनी तेज, एक कमाल ये है फिलहाल के पास कि सनत तजाद से, सनत तजाद से बहुत फायदा उठा। अगर कोई शख्स कहे आधा गिलास पानी, पानी में आधा गिलास देकर कहे ये गिलास खाली है तो भी सही है, क्योंकि वो सिर्फ उस हिस्से को देख रहा है जो खाली है। अगर कोई कहे कि गिलास पानी से भरा है वो भी सही है, क्योंकि वो उस हिस्से से मुखातिब है जिसमें पानी भरा है। और अगर कोई कहे कि गिलास आधा खाली और आधा पूर है वो भी सही, अंदाज जो कहते हैं तो वो चीजों से जो बताया है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये निकली। कहते हैं कि मेरी पूरी शायरी रोमानी शायरी, मैं हर चीज रोमानी कहता हूं, रोमानियत रोमानियत सिर्फ इश्क नहीं है, यानी सिर्फ प्रेमी से या मोहब्बत करने वालों से गुफ्तगु करना रोमानियत नहीं, बल्कि रोमानियत वो है जो आपके हिस्सियत को, जो हिस्सियत है आपके दिल में उसको महमेज करे। वो आपकी माँ भी कर सकती है, वो आपकी ज़ौजा भी कर सकती है, वो आपकी बेटी भी कर सकती है, वो आपका बेटा भी कर सकता है, ये वो आपका जो है क्या कहते हैं ख्याल भी कर सकता है। तो रोमांचक की जो गुफ्तगू वो करता है गजल का सफर हमारे पास, अगर देखिए उर्दू अदब के गजल का सफर हम अगर सुलेमान साहब या गजल शहजादे से ले तो 1000 साल है, अगर अमीर खुसरो से ले तो 700 साल है। ये हमारी बदबख्ती है कि हमारे इस अजीम पंजाब के शायरों की किस्मत में हमेशा खौफा सा है। इसी गजनवी शहीद शहजादे को जो बड़ा अजीम शायर उस जमाने में लाहौर जो है उसको लाहौर कहते हैं, वो लाहौर जो है जिसमें इसको 17 साल कैद किया गया था और माना गया है कि ये अजीम
शेर से एक ताजी में अरबी में और एक फारसी में और एक हिंदवी में, वो पंजाबी हो सकती है, वो कदीम उर्दू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो हमारे पास तीसरा दीवान हम बहुत उसी से मैं वही कह रहा हूँ, उसी को आपके जो है क्या कहते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ उसका लतीफुल्ला खान कॉलेज में पढ़ाते थे और उन्होंने उसका तर्जुमा फारसी होता है। अच्छा, शायद मेरे पास पढ़ा उसे क्या कोई नहीं। तो रिवायती शायरी जहाँ तक है गजल की, क्योंकि इतने वसी मौजू है, मैं सिर्फ इसी पर बात कम करना चाहता हूँ कि गजल पर बात कर सकते, तो मैं गजल को फोकस कर रहा हूँ रुबाइयत उसके, क्योंकि इसके तो रिवायती गजल जिसमें बनावट बहुत हिस्सों, यानी शायद बेगम को तो डंडों से मारता है लेकिन कहता है कि जो उसकी नजर से मेरा दिल चाप हो गया, मैं मर गया, उसके पास पूछे में पाप हो गया, फला हो गया। जदीद फसल ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। जदीद फसल कहता है कि आशिक पसमानदा रोने और गुड़गुड़ाकर मोहब्बत का भिखारी नहीं, बल्कि वो पुरखान मोहब्बत से भरा हुआ फर्द है जो समाज की सतह पर माशूक का आम बना। यानी एग्जैक्टली आशिक जो है इस तरह से लोग एक आशिक और माशूक जहाँ पर मिल रहे हैं एक दोनों से व्यवहार खाए, ऐसा नहीं है कि मैं तेरे पूछे में मर गया, फला हो गया, दिल को दिल लग गया। ये बनावटी जुमले जदीद गजल में नहीं, जदीद गजल में अगर जो हुस्न इश्क के मामला की कोई अहमियत और मरकजियत हासिल है, लेकिन हमें जाना के साथ हमें दौड़ा यानी मोहब्बत के साथ जिंदगी के मसायल का भी जिक्र। सबसे बड़ा सेपरेशन ये है कि फिक्री लिहाज से देखिए हुकूक जन की जब आप गुफ्तगु करते हैं औरतों के हुकूक की बात, तो औरतों में जो सबसे बड़ा जोर हुआ है वो औरतों की फिक्र पर आपके जो है हमला है। ये नहीं है कि विरासत में क्या मिल रहा है, ये नहीं कि जो है उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, बल्कि ये कि आप ये समझते हैं कि अपने लिहाज से औरत जो है इस चीज को हल नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा जोर है। इसकी तरह तवज्जो की गई है और कहते हैं कि जदीद इश्किया गजल में मजनू के जुनून की पैरवी नहीं और न किसी खाक की परी का हुस्न दरकार है, बल्कि इसी दौर के आशिक और माशूक लड़के लड़कियां हैं जो दिल के जज्बात का सौदा अपने शुरू के साथ करते हैं। इसी वजह से
गजल के बारे में आले मोहम्मद सुरू ने आले अहमद सरूर ने कहा था कि गजल में जात भी है और कायनात भी है। गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी और तुम्हारी बात सा जा रहा हूं।
और ये देखिए कि अगर आपको माशूम देख रहे क्योंकि इतने तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो आ रहे हो इसके बाद से जो है तुम्हारे से कुछ बात कर लेते हैं तो ये तो ठीक हो गए ये मोहब्बत नहीं उसका पॉइंट बताता यही है जदीद मतलब मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त जरा सिखा के मेहरबानी करना हमारे कॉलेज में यही होता था एक बच्चा जो है 20 मिनट का ज्यादा अगर 2 मिनट बात कर लेती थी वो खातून वो लड़कियां फिर रहने ताकि तुम खुश कर दें समझ तो मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त आज अब मुझसे तेरी सच्ची से बेचा नहीं तकलीफ होना चाहिए दावा होना चाहिए बोला होना चाहिए हजरत वालिद ने कहा कि जो किसान कहते हैं कि वालिद का है अंदाज बयां और वालिद ये कहते हैं कि देखिए मीने मैंने वालिद का जब दीवान फारसी आज से 12 साल पहले दो जिल्दों में हो गया तो मैंने ये किस्सा पढ़ा मजमू लेकर वालिद के बीच जो मोजे पर हैं मिल जाएगा इंटरनेट पर हैं आप पढ़ सकते हैं तो बताने की कोशिश की तो उसमें एक शेर यह है कि रुतब जो खुरमा है और नबी जो खुरमे की शराब है इन दोनों में का असर बहुत अलग है रुतब होता है खुशमजा और उससे बनी हुई शराब होती है क्या कड़ी वाले भगत वाले ये कह रहे हैं से रुतब हो व नबी से फासले गुजरते हुए वो सब चूं दुष्णाम शब्द जहर नहीं आ रहा यानी अगर माशूम ये कहे कि ये तुझसे क्या उससे गुस्सा ले ले तो अलग है वो कोरोना की तरह से मीठा है मगर कोई फायदा नहीं लेकिन जब आप गुस्सा लेना चाहते हैं वो आपको आप लपट के हो आपके जो है उसको गुस्सा लेना चाह रहे हैं कड़वा है वो उसका असर और उसका नशा ज्यादा रहता है तो ये गालिब ने अपने तरीके से दृश्य कहा तो उसी को यहाँ पर आपके जो है क्या कहते हैं कि आप मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते है दोस्त आप अब मुझसे तेरी रंजिश बेचा नहीं एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं तो जो रुमानिया छे ना आपके आप देख रहे हैं कि शाम की थी धुआं धुआं हुसन भी था उदास उदास प्यास सी लाके रख गई दिल को कई कहानियां और वाकया गुजरे हुए माशूक और आशिक के दरमियान किस तरीके से वो आप देख रहे हैं तो ये जो रुमानियत है इनके अशार में कहां तक सुनाओ आप जब किसी इंशाल्लाह 3-4 महीने में फैस ड्राफ्ट फाइनली आ जाएगी तो इसमें मैंने कहीं को अलग अलग मजमून बनाया उसमें देखेंगे कि इंसानियत पर क्या आशार हैं रोमानियत पर क्या आशार हैं अजियत पर क्या आशार हैं हमारी तहसीब पर क्या आशार हैं उर्दू की हिमायत में क्या आशार हैं उर्दू की रिवायती शायरी में जो हमने हासिल किया है इसमें क्या है और इस चीज को आगे बढ़ाकर वो ये कहते हैं कि कारमा बनता गया इस तरह से कि इस तहजीब में और तहजीब में शामिल होती गई और कौमें शामिल होती गई जिनकी वजह से आज इसकी रंगारंगी है बस ये काफी आज का जो है वक्त मैंने दिया और इंसान के बारे में बस एक शेर सुन लीजिए जो हाँ ये शेर भी आपको सुना देते हैं कि मुझे तो हार लगाया है बार बार लेकिन बड़ा अजीब शेर था इस वजह से मुझे तो हार लगाया था तुझे तो हार लगाया है बार बार लेकिन तेरे ख्याल को छूते हुए मैं डरता ऐसे अशार उनको अलग है आप तुमने देखिए मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में मैं ये पढ़ा ये किया कि मेरे पास ये गुलदस्ते जो 300 साल पहले छपते थे 40-40 जो हमने 50-50 साल में मैंने बहुत बहुत कर दिया उसमें उनको पढ़ता था 30-30 शेर 25-25 शेर की गजल पढ़ के एक शेर की जानता नहीं है एक शेर की ऐसा नहीं था कि आप पढ़ जाए आपके उसके किस तरीके से साफ लौ दे उठी उदास फिजा साफ लौ दे उठी उदास फिजा मुस्कुराहट तेरी जो याद आई इस
इससे बेहतर एहसास, तो ये जो एहसास है ना आपके हवाए मोहब्बत के झोंके ना पूछो, फिलहाल इस हवा में ना जागे ना सोए, कितना सच्चा शेर है, कितने हकीकी मसाले हैं, मोहब्बत में मेरी तन्हाइयों के हैं कई उन्वान, तेरा मिलना, तेरा हंसना, तेरा उठना, तेरा जाना, यानी आशिक हर चीज को एक तरीके से वो करता है। अगर सच्चा आशिक है तुझे पाके मैं खुद को पाऊंगा, कि तुझी में खोया हुआ हूं मैं, यानी तुझे जो हासिल कर रहा हूं मैं अपने आप को हासिल कर रहा हूं, कि तुझे पाके मैं खुद को पाऊंगा, कि तुझी में खोया हुआ हूं मैं, जिंदगी को निमू दिखाना है रो चुके तेरे अशुबार पर। तो कहां तक मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन यह है कि फिलहाल को हम किस वजह से जाते हैं, एक नया दर्द है, इसलिए फिलहाल ने कहा था कि तेरी गजल तो नई रूह फूंक देती, तेरी गजल तो नई रूह फूंक देती है, फिलहाल देर से झूठी हुई है नफ से हया, देर से झूठी हुई है नफ से हया, खत्म है मुझ पर गजल बोलिए दौरे हाजिर, देने वाले ने वो अंदाज सफर मुझको दिया, तो वो खतरा पूर्ण उठे गुलशन हस्ती तेरे नाखों से गिरा, वो गजल छेड़ जिसे सुर कहें गुलबान के हयात, तारीखियां चमक गई आवाज दर्द से मेरी गजल से रात की जुल्फें सवर गई, कब तक सुनाता रहूं, रोमानियत का शायर, इश्क का शायर, मोहब्बत का शायर, जज्बात का शायर, दर्द का शायर, उर्दू अदा का सरमाया, लखनऊ सहाय 40 साल से पहले मर चुका, लेकिन उसका कलाम मुतालिया दोहे हो या रुबाइयात हो या गजल हो क्या ना